जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नादेही शुगर मिल में आज से पेराई सत्र शुरू हो चुका है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, वर्तमान विधायक आदेश चौहान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शुगर मिल पहुंचे, जहां फैक्ट्री में पूजा अर्चना के बाद किसान विनोद कुमार का सबसे पहले गन्ना तोला गया। साथ ही बैलों को तिलक लगाकर किसानों को शॉल उड़ाकर के सम्मानित किया गया है। मंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार उम्मीद है कि बिना ब्रेकडाउन के मिल चलेगी, जिससे कि किसानों को भी फायदा होगा। साथ ही किसानों को गन्ना भुगतान समय से पहले किया जाएगा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किसानों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। मिल समय से तैयार हो गई है और समय से इसकी ओपनिंग हो गई है, आज चल गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा और सही समय से मिल चलेगी। और जो मिल चली है वो रियल में आज चली ही जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिल चल जाती थी, ओपनिंग हो जाती थी, दो तीन दिन के लिए फिर बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बात हुई है, आज MD भी यहाँ केन के MD भी हैं, GM भी हैं, SDM भी, और सभी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, ये मिल अच्छी चलेगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा। और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो किसानों का समय से गन्ना पड़ेगा, जिससे गेहूं की बुवाई हो सकती है और समय से उनको भुगतान होगा। और इस बार GM साहब का ये कहना भी है मिल प्रशासन का कि हम गन्ने का भुगतान भी हर हफ्ते के हफ्ते करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं बधाई देता हूं कि हर हफ्ते अगर गन्ने के किसान के खाते में अगर पैसा आता रहेगा तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा हफ्ते में मिलने का मतलब है उसको नकद भुगतान होना कहेंगे। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों को इस मिल का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के विकास के लिए। इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, किसानों की जो आर्थिक दशा सुधरी है, जो किसानों का जो जिस तरीके से सुधार हुआ है उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उसको इस चीनी मिल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, धन्यवाद। गन्ना मूल्य निश्चित रूप से सरकार हर बार बढ़ाती है, इस बार भी गन्ना मूल्य सरकार निश्चित रूप से बढ़ाएगी, इतनी शुभकामनाएं।